नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मंडे टू सैटरडे 6 हेल्दी हेल्दी से नाश्ते। अब आपको नाश्ते के लिए क्या बनाऊं की समस्या से सुबह सुबह नहीं जूझना है। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मंडे से लेके सैटरडे तक के मैं पूरे 6 नाश्ते आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आइए, हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मेरी कोशिश पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया था कि स्प्राउट जो थे उनको मूंगफली दाना, मटर और कॉर्न के साथ में प्रेशर कुकर में 2 सीटी ले ली थी। नमक डाला था हल्का सा और थोड़ा सा डाला था पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ उतना ही पानी डालिएगा जितने में हमारे ये स्प्राउट्स वगैरह जो अनाज है ना वो उबल जाए अच्छे से। उसके बाद उनको एक साइड रख दीजिए। कढ़ाई में डालिए तेल, हींग, जीरा, प्याज और कैप्सिकम डालकर मैंने यहाँ पर इसको पका रही हूँ। और इसके बाद मैंने डाले हैं टमाटर। दोस्तों, आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, आप इसमें पत्ता गोभी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। घर में जो भी अवेलेबल सब्जियाँ हैं ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज यही था, मैंने इसलिए इसको ऐड किया है। इसके बाद में ना इसको आप इसमें डाल दीजिए, हमारा जो मसाला तैयार हुआ है उसमें नमक डाल दीजिए, अमचूर पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे और अच्छा सा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ पनीर, मैं ग्रेट करके डालूंगी और मैं डालूंगी चुकंदर, जिससे और हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों, हर दिन हमें यही समस्या रहती है कि हम क्या नाश्ता बनाएं। और यदि आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो ये बहुत ही मतलब अच्छे हेल्दी से नाश्ते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके लिए ऐसी ही हेल्दी रेसिपी मैं लाती रहूँगी, इस बात की गारंटी है। और यहाँ पर दूसरा, मैं आजकल मिलेट्स बहुत सुनाई पड़ता है, तो मैं उसी का आज आपके लिए बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है तेल, तेल में डाला प्याज, हरी मिर्ची डाली है और आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इसके बाद में टमाटर डालकर आप इसमें सभी मसाले डाल दीजिए। और फिर उसके बाद ना दोस्तों, जो भी सब्जियाँ आपके पास हैं, जैसे मेरे पास कैप्सिकम, गाजर, फूल गोभी, मटर, आलू, ये सब चीज़ें थी, आलू ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये यहाँ पर मैंने लिया है बाजरे का दलिया। बाजरे का दलिया मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप इसे लेकर के आइएगा और रोस्ट करके डिब्बे में भर लीजिएगा। ये साल भर तक भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हम इसको रोस्ट कर चुके होते हैं। दोस्तों, सभी सब्जियां डालने के बाद में आपको 1 कप, अगर आपने दलिया लिया है तो उसमें आपको लगभग 3 से 4 कप डालना है पानी। 1 कप हम लेंगे सब्जियों के लिए पानी और तिगुना पानी हमें डालना है दलिये के लिए फूलने के लिए। प्रेशर कुकर में इसमें 3 से 4 सीटियाँ दे लीजिएगा, नींबू का रस डालिएगा और डाल दीजिएगा इसमें थोड़ा सा घी। इतना हेल्दी और इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट ये बनता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत कोई एफर्ट नहीं करना होता है। तो दोस्तों, अब आ गया है मंडे, ट्यूसडे हो चुका है, वेडनेसडे का दिन आया है। तो वेडनेसडे को आज मैं आपको बनाती हूँ एक बहुत ही हेल्दी सा ढोकला बनाना बता रही हूँ, जिसे मैंने मूंग की दाल से बनाया है। हमें अपने ब्रेकफास्ट में सभी दालों को, मिलेट्स को, सभी को शामिल करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। तो दाल को मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ी सी हींग और नमक के साथ में। पीसा हुआ बैटर को अलग कर दीजिए। एक ट्रे जिसको आप स्टीम में रख सकें उसको ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद में जो हमारा बैटर था ना मूंग की दाल वाला, उसमें आप डाल दीजिए इनो। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि हमारा जो बैटर है वो, जो सॉरी इनो है, वो एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद में इसको अच्छे से चलाइए। तो थोड़ी ही देर में, जैसे आप 1-2 सेकंड चलाएंगे ना, फूल के लगभग डबल हो जाता है। और इसके बाद आप इसको उस ग्रीस लगी ट्रे में डाल दीजिए। डालने के बाद में मैंने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है पानी। उससे पहले इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं और टेस्ट भी बढ़ जाएगा इससे। थोड़ा सा मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी तिल्ली डाल दीजिए। और उसके बाद में ये देखिए, मैंने पानी गर्म होने पहले ही चढ़ा दिया था, तो इसके ऊपर हमने एक स्टैंड रखा है और इसमें आप रख दीजिए
हमने जो बैटर डाला था ना वो बैटर इसमें रख दीजिए। अब इसको ढक दीजिए और लगभग पकने दीजिए इसको 20 मिनट तक। आप चाकू डालकर देखिएगा, अगर बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, स्टिकी नहीं है, इट मीन्स कि हमारा ढोकला बन करके तैयार है। हम अक्सर सूजी का बनाते हैं, बेसन का बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन मूंग का ना इसमें छिलका भी होता है, फाइबर हो जाता है इसमें, और प्रोटीन मिनरल विटामिन सभी कुछ मिलता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह के नाश्ते आपके लिए बहुत मददगार हैं। सुबह उठकर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें क्या बनाना है, थोड़ी सी तैयारी बस रात को कर दीजिए, वो भी अगर आप वर्किंग हैं तो, घर में हैं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद में इसको पीसेज में काट लीजिए, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो यहाँ पर तेल में मैंने डाला है मूँगफली दाना, करी पत्ता और तिल्ली और राई के दाने, और इसके बाद में जो हमारे कटे हुए ढोकले के टुकड़े हैं ना वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चाहें तो काला नमक ऐड कीजिए, आप इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो। अगर बच्चों को खिलाना चाहते हैं ना तो आप इसमें मैगी मसाला ऐड कर लीजिएगा, चाट मसाला ऐड कर, मैंने यहाँ पर चाट मसाला डालूंगी मैं इसको अच्छे से टेस्ट देने के लिए। अच्छे से चलाइए इसको और उसके बाद ना मन चाहे मसाले डाल करके ना आप इसको सर्व कीजिए दोस्तों, बहुत हेल्दी लगता है। और हाँ भाई, आप देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इस तरह की हेल्दी रेसिपीज का फ़ायदा उठा सकें। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कि हमारा हम नेक्स्ट नाश्ता क्या बनाएंगे अगले दिन। तो अगले दिन के नाश्ते के लिए फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, सूजी लीजिएगा 2 कप, उसमें बराबर से डालिएगा छाछ यदि है तो छाछ, नहीं तो 1 कप दही और 1 कप पानी मिलाइएगा। और उसके बाद में इसको अच्छे से विस्कर से विस्क करके आप रख दीजिएगा ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो सूजी है वो फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक हम क्या करते हैं, एक टेम्परिंग तैयार करते हैं, इसमें तेल डालिए और तेल डालने के बाद में राई के दाने, बारीक कटा प्याज और क्रश की हुई मूँगफली दाना, करीब लीव्स डाल करके इनको अच्छे से भुनने दीजिए। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे ना तो हम इसमें अपना अगला स्टेप करेंगे। इस तरह की टेम्परिंग डालने से ना दोस्तों जो हमारी इडली है वो बहुत अच्छी बनती है। मैं यहाँ पर चने की दाल और उड़द की दाल डालना भूल गई थी, तो मैंने अपने प्याज और उसको किनारे कर दिया है मूँगफली दाना को, और अब मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा, तो हमारी ये दोनों दालें भी भुन जाएंगी। जब इस तरह का गोल्डन सा कलर हो जाएगा तो आप इसमें डाल दीजिएगा लाल मिर्च, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा खाते हैं। इसके बाद में जो हमारी टेम्परिंग तैयार हुई थी दोस्तों उसे हम डाल देंगे अपनी सूजी के बैटर में और डालकर हम चला देंगे। फिर इसमें आप डालिए बारीक कटी गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हरी मिर्ची। इसके बाद में यहाँ पर हम थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक डाल दीजिएगा, नमक डालकर हमने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने अब डाला है इसमें इनो, मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर का इनो था मैंने वो डाला है, आपके पास जो भी इनो हो जिस भी फ्लेवर का हो आप डाल सकते हो, बस चॉकलेटी वाले फ्लेवर से बचिएगा, वो मत डालिएगा क्योंकि हम नमकीन चीज़ बना रहे हैं ना, उसमें चॉकलेटी फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लीजिए हमारा बढ़िया सा बैटर हो गया है तैयार। अब हम इडली मोल्ड को करते हैं ग्रीस। ग्रीस करने के बाद में सभी हमारी जो इडली के मोल्ड है ना उनमें हम डाल देंगे अपने इडली के बैटर को, और इस तरह से इसको करने के बाद में आप ढक दीजिए और भाप में हमको पकाना है वही लगभग 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक पकाना रहेगा। इस तरह से निकाल कर देखिए, ठंडा होने पर निकालिएगा, गरम गरम बिल्कुल भी मत निकालिएगा क्योंकि गरम में ना हमारी पूरी इडली फट जाएगी। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, और फिर आप खा कर देखिएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसी लगी। मैंने इसे कोकोनट की चटनी के साथ सर्व किया है, आप हरी धनिया की चटनी, इमली की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब आ गया है हमारा अगला ब्रेकफास्ट। तो अगले ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैंने लिए हैं अदरक, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती। धनिया पत्ती अच्छी मात्रा में ले लीजिएगा, आप धनिया और पुदीना भी ले सकते हो, अगर आप धनिया पुदीना नहीं है तो पालक भी ले सकते हो। थोड़ा सा दही मिलाकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से पेस्ट के जैसे, इस तरह से। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेंगे लगभग 1 कप सूजी। सूजी लेकर के हम डाल देंगे एक बाउल में लेंगे, और उसके बाद में जो ये जो हमने पीसा है ना धनिया वाला मटेरियल, वो मटेरियल हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं हर
ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ हेल्दी कंटेंट ज़रूर ऐड कर रही हूँ। मैंने इससे पहले चुकंदर ऐड किया था। यानी हमको नाश्ता तो बने, नाश्ते जनरली क्या होता है ना दोस्तों, लो कैलोरी या सादा नाश्ता बनता है तो लोगों को पसंद नहीं आता। पर हमारी खासियत तो इसी बात में है ना कि हम ऐसा नाश्ता बनाएं कि जो लो कैलोरी भी हो, जो तला भुना नहीं हो और सबको पसंद भी आए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसमें जो हरा वाला हमारा मिश्रण था ना, उसको मिला करके और सूजी में मिला दिया है। और इसमें डाल दी है थोड़ी सी वेजीज। वेजीज में मैंने डाला है टमाटर और प्याज, अदरक, वो सॉरी हरी मिर्ची और हरा धनिया। हरा धनिया हमने पीस लिया था तो मैंने ऊपर से नहीं डाला है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद में हम इसका बनाएंगे उत्तपम। उत्तपम जरा सा तेल लगाइएगा और उत्तपम का बैटर को फैला दीजिएगा। इसके ऊपर आप डालिए तिल्ली, कलौंजी और थोड़ा सा बारीक वाला सेव। सेव जरूरी नहीं है, फीका वाला है तो वो डाल दीजिए, और अगर के आपके पास मिर्ची वाला है तो वो डाल सकते हैं, लौंग वाला है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बारीक वाला डालिएगा। जब एक साइड से हमारा उत्तपम सिक जाएगा तो हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा उत्तपम बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने ऊपर से डाला है चाट मसाला और इसे मैं सर्व कर रही हूँ आंवले के मुरब्बे के साथ में, जो मैंने खुद घर पर ही बनाया हुआ है और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आ गया है सैटरडे। सैटरडे को हम बनाते हैं एक बढ़िया सी उपमा। उपमा आपने बहुत खाई होगी, लेकिन गारंटी है कि ये वाली उपमा नहीं खाई होगी। तो उपमा बनाने के लिए हमने क्या करना है कि टमाटर को ले लीजिए, दो टमाटर को ले लीजिए या तीन ले लीजिए, इनको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तेल लीजिए, उसमें डालिए बारीक कटा हुआ प्याज और राई के दाने। अब इनको हम चलाएंगे। हरी मिर्ची भी ऐड कर दीजिए इसमें, और हरी मिर्ची आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आप स्किप कर सकते हैं। मसाले कोई से भी आप स्किप कर सकते हैं। देखिए मैं हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप इनको प्रयोग कीजिएगा और बनाइएगा। जो जो पसंद आया है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा कि कौन सा नाश्ता आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस में मैं क्या और ऐड कर सकती हूँ। आप लोग भी बनाते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना, आप सब लोग भी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपने देखा मैंने ये सब्जियाँ डाल दिए। सब्जियों में भी दोस्तों जरूरी नहीं है कि मैं जो सब्जियां डाल रही हूं, आप कोई भी सब्जी जो आपके घर में खाई जाती है आप डाल सकते हैं। ऐड रिमूव करना हर जगह अवेलेबल है भाई, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी रिमूव कर सकते हो। तो जब गाजर, चूंकि सबसे हार्ड होती है, जब हमारी गाजर गल जाएगी ना तो आप इसमें डाल दीजिए 1 कप सूजी। कोई हमें सूजी को भूनना नहीं है, कोई हमको घी में नहीं भूनना है, सिंपली जो सूजी होती है उसी को आप इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा चलाइए। चलाने के बाद में आप देख सकते हैं कि लगभग जिस कप से मैंने मैदा वो सूजी ली थी उसी कप से मैंने लिया है टोमेटो की प्यूरी और उसी कप से पानी, यानी लगभग 1 कप टोमेटो प्यूरी हो जाती है और 1 कप के लगभग ही मैंने पानी डाला। हाँ, पानी अगर आपको कम लगेगा ना तो आप लगभग, मुझे लगता है इसमें आपको ना 1 कटोरी या 1 कप पानी और ऐड करना पड़ेगा। पानी जितना आपको कम लगे आप इसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में ये देखिए, ये हमने डाल दिया। अब इसमें नमक, लाल मिर्ची और ये हमारा शानदार सा उपमा बन करके हो जाएगा अभी तैयार। काली मिर्च डाल दीजिएगा। और ये देखिए, अब मैंने, अब ये इसमें है ना, आप फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिएगा, क्योंकि जो उपमा है ना वो धीरे धीरे सूजी हमारी फूलेगी तो ये अपने आप से गाढ़ी होती जाएगी। इस बात की हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि अभी थोड़ा हमें पतला सा लग रहा है, ये अपने आप थिक हो जाएगा थोड़ी देर में। लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं, थिक हो जाएगा। अभी आपने जैसा कि देखा होगा मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून तेल का प्रयोग किया है, बल्कि और उससे भी कमी था। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा और 1 चम्मच डालिए इसमें घी। घी डाल करके ना आप इसको अच्छे से चला दीजिएगा। चलाने के बाद में ये देखिए बैटर कितना बढ़िया, सॉरी बैटर नहीं, हमारी उपमा कितनी बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। आप इसको दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये लीजिए, बनकर तैयार है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।